नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शासकीय विद्यालयों में दी जा रही बच्चों को सुविधाओं का लाभ प्राइवेट विद्यालय के बच्चों को भी दिए जाने की मांग आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा उठाई गई। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि वह MP बोर्ड से संबद्धता रखते हैं और शासन के सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन सरकारी और प्राइवेट स्कूल के नियमों में अंतर आखिर क्यों है। अपनी मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कहा कि प्रतिवर्ष उन्हें मान्यता लेना पड़ता है। कक्षा पहली से 12वीं तक स्थायी मान्यता प्रदान करने के स्कूल संचालकों के द्वारा मांग की गई। साथ ही पहली से 8वीं तक की मान्यता में FDR की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग उठी। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्राइवेट स्कूलों को मान्यता के लिए रजिस्टर्ड किरायानामा अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह नियम पूर्व में नहीं था। इसके लिए प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि इस नियम को पहले जैसा ही यथास्थिति रखा जाए। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा की नीति प्राइवेट विद्यालय में लगाई गई है। उसमें निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत संस्थाओं का अन्य राज्यों की अपेक्षा कम फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि अन्य राज्यों के बराबर उनका भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही शासन के द्वारा मिलने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राइवेट विद्यालय के छात्रों को भी दिया जाए, क्योंकि वह MP बोर्ड से ही संबंध है और एक ही देश के निवासी हैं। इधर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि यदि उपरोक्त समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश के लगभग 47,890 प्राइवेट स्कूल और 8,67,900 शिक्षक, शिक्षिका, कर्मचारी तथा विद्यालय में पढ़ने वाले करोड़ों विद्यार्थी प्रभावित होंगे। प्राइवेट स्कूलों के संचालन में अनेक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के आज यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इनमें पहली समस्या है कि प्राइवेट स्कूलों को कक्षा 1 से 8 तक 3 वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की जाती है और 9 से 12 तक के लिए 5 वर्ष की मान्यता प्रदान की जाती है। उसके बाद हमें मान्यता का नवीनीकरण कराना पड़ता है। तो हमारी मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रशासन से मांग है कि हमें अस्थाई मान्यता प्रदान की जाए। कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता के लिए पहले FD नहीं लगती थी, पिछले साल से सरकार ने 40,000 की FD अनिवार्य कर दी है, तो उस FD को समाप्त किया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि पहले मान्यता नोटराइज किरायानामा से मिलती थी, अब रजिस्टर्ड किरायानामा अनिवार्य कर दिया गया है, जो बहुत महंगा पड़ता है। कभी कभी मकान मालिक किरायानामा को रजिस्टर्ड कराने में दिक्कत करते हैं, तो रजिस्टर्ड किरायानामा को हटाया जाए और नोटराइज किरायानामा के आधार पर ही हमें मान्यता प्रदान की जाए। हमारी तीसरी मांग है कि प्राइवेट स्कूलों से संबद्धता शुल्क भी ली जाती है और मान्यता शुल्क भी ली जाती है। 2015 के पहले केवल संबद्धता शुल्क ली जाती थी, तो मान्यता शुल्क को समाप्त किया जाए, केवल संबद्धता शुल्क ली जाए। हमारी चौथी मांग है कि हर विद्यालय में RTE के तहत 25% बच्चे पढ़ते हैं और मध्य प्रदेश सरकार उनका भुगतान साल 2 साल में 5,000 से 5,600 रुपये के बीच करती है, जबकि अन्य राज्य राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ भुगतान 10,000, 15,000, 18,000 रुपये भुगतान होता है। तो अन्य प्रदेशों की भांति मध्य प्रदेश सरकार भी 10,000 ऊपर फीस पूर्ति करें। अशासकीय विद्यालयों में जो छात्र पढ़ते हैं उनको ना तो स्कूटी प्रदान की जाती है, ना ही JEE मेंस और मेडिकल के क्षेत्र में आरक्षण दिया जाता है, जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो हमारी मांग है कि सारी सुविधाएँ अशासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी प्रदान की जाए। हमारी छठवीं मांग है कि प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यरत हैं उनका और उनके परिवार का बीमा आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क कराया जाए, क्योंकि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो लगभग 50,000 स्कूलें और 7 लाख के आसपास शिक्षक इससे प्रभावित होंगे। अगर सरकार हमारी इन मांगों पर तत्काल विचार नहीं करती है तो हम सभी स्कूल संचालक बैठक करके लामबंद होंगे और उस दल का समर्थन करेंगे जो हमारी समस्याओं का समाधान करने का वादा करेगा।
ड्रेस हर साल चेंज नहीं होता है, 8-10 साल में ड्रेस चेंज होता है। आपको ऐसी उम्मीद है जो ये नियम निर्धारित करेंगे 3 साल में या 2 साल में बदलेगा या फिर 5 साल में किताबें चेंज होगी, ड्रेस और किताबें चेंज होगी, किताबें कहाँ नहीं, किताबें हर साल चेंज नहीं होती है। सरकार ने नियम बना रखा, किताबें 2-3 ऐसे दुकानें जहाँ उपलब्ध रहती हैं सारी किताबें, वैसे अगर अभिभावक चाहे तो लिखवा लें, पूरे मार्केट में किताबें उपलब्ध रहती हैं। हाँ, इकट्ठा जरूर नहीं मिल पाती है, आप अभी बोल रहे हैं पर असली समय में ना वहाँ मिलती है और ना कुछ ऐसी व्यवस्था बन पाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है व्यवस्था, नहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऐसा संगठन है जिसकी बात लोग मानते हैं। जब आप लोग नहीं हो तो कैसे बड़ी बड़ी ब्रांड है जो स्कूल हो गई, नहीं सीबीएसई की स्कूल हमारे इदारे में नहीं आती, उनका अलग संगठन है। प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड से जो मान्यता प्राप्त हैं उनका संगठन हमारा संगठन। प्राइवेट भी कई भागों में मतलब आपको ऐसा कई भागों में बटी हुई है, सीबीएसई अलग है, बोर्ड अलग है, सब ऐसे नहीं, 2 ही बोर्ड रीवा में बने हैं। हाँ, मतलब आप भी उनसे मतलब नहीं रखते हैं, मतलब सीबीएसई से हम लोग कोई मतलब नहीं रखते हैं। एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त जो स्कूलें हैं वहाँ तक हमारा दायरा है। सीबीएसई की कोई मांगे आपके तरफ से नहीं मांगी? नहीं, कोई मांगे नहीं मांगी। सीबीएसई जो बच्चों के ऊपर लापता है हर साल ड्रेस चेंज करना, हर साल किताबें चेंज करना, वो तो प्राइवेट के इलाके में आते तो आप लोगों पे ही कर नहीं, हमारा दायरा केवल एमपी बोर्ड की स्कूलों तक है, मध्य सरकार जिनको मान्यता देती है वो हमारे दायरे में आते हैं, सीबीएसई बोर्ड का अलग संगठन है।